अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेने जा रहे हैं अपना स्ट्रक्चर्स का लैब नंबर 10 का लेक्चर। तो आज हम इसके डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस तरह इनको डिक्लेयर किया जाता है, इनको डिफाइन किस तरह किया जाता है, फिर इनको यूज़ किस तरह किया जाता है। अभी तक हम अरेज़ पढ़ चुके हैं। तो अरेज़ में हमने देखा कि हम सेम टाइप ऑफ डेटा जो है वो हम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे मैं एक अरे बना रही हूँ 3 साइज़ की, और आप सबको पता है कि हम अगर इसको इंटीजर टाइप की डिक्लेयर करते हैं इस अरे को, तो इसके अंदर तीनों जो आइटम्स हैं वो इंटीजर टाइप के ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई एक आइटम अपनी मर्जी से करेक्टर टाइप का इसके अंदर सेव करवा लूँ, ठीक है। या अगर मैं फ्लोट टाइप की अरे अगर एक डिक्लेयर करवाऊंगी तो उसके अंदर मैं करेक्टर टाइप का डाटा रखवा लूँ। तो जिस टाइप की हम अरे को डिक्लेयर करवाएंगे उसी टाइप का डाटा उसके अंदर आएगा, ठीक है। और टाइप्स आप सबको पता है, इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, इन टाइप्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त हम क्या करेंगे जब हमें हर तरह का डाटा जो है वो सेव करवाना है। हमें करेक्टर टाइप के डाटा की भी ज़रूरत है, हमें इंटीजर टाइप के डाटा की भी ज़रूरत है, और हमें फ्लोट टाइप के डाटा की भी ज़रूरत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव करवाना चाहते हैं, अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का जो है नेम आ जाता है, उसकी क्लास, उसकी एज, उसका CGPA, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इंटीजर टाइप की नहीं है। नेम उसका करेक्टर टाइप का होगा, एज उसकी इंटीजर टाइप की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्लास उसकी CGPA जो है उसका वो फ्लोट टाइप में होगा। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं। तो जब हमें डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए सेव करवानी पड़ती हैं या उन पर हमें काम करना पड़ता है, तो फिर हम स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है सेव करवा सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर, या हम एक पर्सन का डाटा हम यहाँ पर सेव करवा रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हो, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है स्ट्रक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अपनी मर्जी से नेम देते हैं स्ट्रक्चर को। आप पर्सन का डाटा करवा रहे हो, आप पर्सन लिख सकते हो, आप स्टूडेंट का डाटा करवा रहे हो, आप वो लिख सकते हो, आप ओल्ड एज का डाटा सेव करवा रहे हो, आप ओल्ड एज लिख सकते हो। तो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह वेरिएबल का नेम आप अपनी मर्जी से देते हो, इस तरह आप स्ट्रक्चर का नेम भी अपनी मर्जी से दे सकते हो, ठीक है। आप एक पर्सन के रिलेटेड हम उसका नेम सेव करवा सकते हैं, हम उसकी एज, उसकी सैलरी, या उसकी क्लास, या जितनी भी चीज़ें जो आपको मैटर करती हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन आप सेव करवाना चाहते हो, कम या ज़्यादा आप करवा सकते हो यहाँ पर। तो ये एक फुल डिक्लेरेशन है एक स्ट्रक्चर की, ठीक है, उसका नेम और उसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करवाने के बाद उसको इस्तेमाल करने के लिए, अब मेरे पास बहुत सारे पर्सन्स हैं, मेरे पास 10 पर्सन्स हैं जिनके लिए मैंने, 10 पर्सन्स के लिए उनके नेम, उनकी एज, उनकी सैलरीज और उनकी क्लासेस मैंने जो हैं वो लिखनी है। 10 पर्सन्स हैं, तो मैं उसके लिए किस तरह अब इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करूंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा चलते हैं डेफ के ऊपर। मैं डेफ पर ये काम आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो डिक्लेरेशन किस तरह होनी है वो हम देख लेते हैं। स्ट्रक्ट, सपोज हम किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करवाने चाह रहे हैं, तो हमने स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस एंड, और उसके बाद एक टर्मिनेटर का साइन। अब इस जगह पर इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में हम वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड थी हम वो लिखेंगे। सपोज हमें नेम रिक्वायर्ड था स्टूडेंट का, और नेम को हम 30 साइज दे लेते हैं। उसके बाद हमें एज रिक्वायर्ड थी, ठीक है। दो चीज़ें मिनिमम काम अभी कर लेते हैं, और उसके बाद मैं मेन का मेथड जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। आप सबको अभी तक यही पता था कि हम मेन के मेथड के अंदर सब कुछ करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम मेन के मेथड से ऊपर डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, अगर आपने इसको मेन के मेथड के अंदर दे दिया तो ऑफकोर्स एरर्स आएंगे। तो स्ट्रक्चर हमेशा डिक्लेयर होता है मेन के मेथड से
ऊपर। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इस्तेमाल पे अब हम आने लगे हैं। तो स्ट्रक्चर का नाम था स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल लिख रही हूँ S1 और एक मैं वेरिएबल लिख रही हूँ S2, स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू। आप ए और बी भी करवा सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन देखिए नॉर्मली तो हम इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, या तो इंटीजर टाइप के या फ्लोट के या करेक्टर के या डबल के। यहाँ पर जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो है स्टूडेंट टाइप के, मतलब। और स्टूडेंट क्या है, वो एक स्ट्रक्चर है जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। जो स्ट्रक्चर का नाम होगा वही नीचे यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मैं इसके स्ट्रक्चर के टाइप के मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो किए हैं, आप 10 भी कर सकते हो, आप 11 भी कर सकते हो, आप कम भी कर सकते हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत कितनी है। मैंने दो स्टूडेंट्स का डाटा सेव करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सी इन करवाना चाह रही हूँ यूज़र से, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम और उसके बाद उसकी एज। तो सी इन के, अब यहाँ पर एक करेक्टर टाइप की अरे है, और आप सबको पता है कि अरे के अंदर, करेक्टर टाइप की अरे के अंदर डाटा इनपुट करने के लिए हमें गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। सी इन डॉट गेट लाइन नेम। अच्छा, अब इस नेम को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये मेन मेथड से ऊपर डिक्लेयर्ड है और स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं स्टूडेंट का वेरिएबल इस्तेमाल करूंगी जो मैंने खुद से डिक्लेयर करवाए हैं। इसका मतलब ये होगा ए डॉट नेम लेना चाह रहे हैं हम, और गेट लाइन के फंक्शन में किस तरह हम करते हैं कि पहले वेरिएबल का नाम और उसके बाद वेरिएबल का साइज। ठीक है, तो ये मैंने स्टूडेंट ए का नेम गेट कर लिया यूजर से, उसके बाद में स्टूडेंट ए का जो है अब मैं एज इनपुट करने जा रही हूँ। तो ए डॉट एज क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं दूसरे स्टूडेंट के लिए भी सेम यही डाटा इनपुट करने जा रही हूँ, तो मैं सेम वही लाइंस लिखूंगी, सी इन डॉट गेट लाइन, बी डॉट नेम, और सी इन बी डॉट एज। अब मैंने दो स्टूडेंट्स की नेम और एज इनपुट करवा ली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सी आउट इनको करवाऊंगी ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम एक सिंपल सी लाइन करवा लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये आउटपुट क्या आई है और किस तरह को आई है। ठीक है, एंड लाइन मैंने लगाया था कि थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर सही से बन जाए। अब मैं करवा रही हूँ, सबसे पहले ए डॉट नेम, स्टूडेंट नंबर वन का नेम, और उसके बाद स्टूडेंट नंबर ए की एज। तो बहुत आसान है, जैसे सिंपल हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं वही वेरिएबल्स होंगे, सिर्फ फर्क ये है कि अब हमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के साथ उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी डॉट नेम और सी आउट बी डॉट एच, ये हमारे सामने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया है। मैं एंडल लगा रही हूँ ताकि स्ट्रक्चर बन जाए हमारे आउटपुट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नेम ले लिया, हमने एज एंटर करवा दी, सेकंड स्टूडेंट का नेम हमने एंटर कर दिया, और मेरे से ये एंटर का बटन प्रेस हो गया था इसलिए फ़ौरन आउटपुट आ गई है, क्योंकि मैंने सेकंड स्टूडेंट का नहीं एंटर करवाया कुछ भी, इसलिए उसको ज़ीरो आ गया। हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जिसके बारे में मैं आपको डॉट इग्नोर का फंक्शन। ठीक है, तो हम अब इसको करके देख लेते हैं एक मिनट। तो यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि जब हम सी इन के साथ गेट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ना,
और दो तीन दफ़ा हमें बार बार उस पर डाटा लेना पड़ता है। जैसे मैं 14 नंबर लाइन के अंदर सीन डॉट गेट लाइन स्टूडेंट नंबर 1 का नेम कर रही हूँ और 18 लाइन पे मैं स्टूडेंट नंबर 2 का नेम इनपुट कर रही हूँ, तो गेट लाइन का फंक्शन जो है वो ओवरलोडेड हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको हर नेक्स्ट नेम्स इंसर्ट करने से पहले एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है इग्नोर का, बिल्ट इन फंक्शन है। तो सी इन डॉट इग्नोर, सिंपल सी हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और उसके बाद जब हम इनपुट लेते हैं तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। आप इसके बगैर भी करके देख लीजिएगा और इसको लगा के भी करके देख लीजिएगा, आप लोगों को फर्क समझ आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं फर्स्ट नेम फर्स्ट स्टूडेंट का और फर्स्ट स्टूडेंट की एज, सेकंड स्टूडेंट का नेम और सेकंड स्टूडेंट का नेम और फिर एज, और आउटपुट आपके सामने सेम आ गई है। तो आसानी हमारे पास स्ट्रक्चर्स के अंदर ये होती है कि हम जितने मर्जी इंफॉर्मेशन और जितने मर्जी टाइप की इंफॉर्मेशन हम सेव करवाना चाहें, हम यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा कर हम उनको इस्तेमाल करते जाते हैं। तो ये थे सिंपल से स्ट्रक्चर्स। अच्छा, स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो, आप अपनी मर्जी से चाहो तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स आप करवा लो। आपको दो स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, एक हम DOB का स्ट्रक्चर करवा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमें इंट डे चाहिए, इंटीजर में मंथ चाहिए और इंटीजर में हमें ईयर चाहिए। किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी पर्सन की आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो वो आप यहाँ से अलहदा से एक बना सकते हो स्ट्रक्चर। और सेम इसी तरह आप स्ट्रक्चर DOB के भी कुछ वेरिएबल्स बना लोगे, ठीक है, जितने मर्जी वेरिएबल्स आप कॉमा लगा के यहाँ पर बनाते जाओ। और सेम जिस तरह हमने यहाँ पर डाटा लिया है, इंसर्ट किया है, आप इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के भी आप वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे सिंपल से हमारे पास कि हमने किस तरह एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, किस तरह हमने उसको डिफाइन किया उसका वेरिएबल। जैसे यहाँ पर आपके मैनुअल के अंदर एक स्ट्रक्चर दिया गया है पर्सन का और फिर बाद में उस पर्सन का एक और वेरिएबल बनाया गया बिल, और फिर बिल से आगे उस स्ट्रक्चर के तमाम वेरिएबल्स को यूज़ किया गया है, उनके अंदर डाटा फिल किया गया है, डाटा आउटपुट करवाया गया है, ठीक है। एक्सेसिंग मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर, हम एक डॉट ऑपरेटर के थ्रू ये सारा काम करते हैं। ये सब मैंने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया है। ए डॉट एज, बी डॉट नेम, बी डॉट एज, तो जितने वेरिएबल्स के साथ हमने एक्सेस करना है उसको हम अपना डॉट ऑपरेटर लगाते जाते हैं हर वेरिएबल के साथ, ठीक है। अच्छा, ये तो था ना स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन। आप स्ट्रक्चर को अपनी मर्जी से इनिशियलाइज भी कर सकते हो किसी भी वैल्यू से। जैसे एक पर्सन का जो स्ट्रक्चर है, उस वेरिएबल हमने उसका एक बनाया बिल के नाम से, उसको आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, आप यूजर से इनपुट नहीं लेना चाहते, तो आप इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी डाटा रिक्वायर्ड है वो सारा आप लिख सकते हो। करेक्टर टाइप का डाटा ऑफ कोर्स सिंगल डबल कोट्स में आएगा, इंटीजर टाइप का टाइप ऐसे ही आएगा, फ्लोट टाइप का डाटा पॉइंट डिजिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है हमने। स्ट्रक्चर एक बनाया गया है पार्ट के नाम से और उसके अंदर मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कॉस्ट तीन इंफॉर्मेशन ली गई हैं। पार्ट नंबर कोई भी किसी गाड़ी का पार्ट हो सकता है, किसी मोटरसाइकिल का पार्ट हो सकता है, किसी भी व्हीकल का। तो फिर उस पार्ट के आगे दो वेरिएबल्स बनाए गए हैं, वन और टू, और फिर उस वन के अंदर भी मॉडल नंबर पार्ट नंबर दिया गया, टू के अंदर भी सेम डाटा, और फिर उनको आउटपुट करवाया गया। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अब अगर सपोज आपके पास एक इस तरह का काम, मैं एक प्रोग्राम आपको दे देती हूँ कि आपने 10 स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट करवाना है, ये 10 पर्संस का डाटा, 10 एम्प्लॉयज़ का डाटा आपने सेव करवाना है। एम्प्लॉय की हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो एम्प्लॉय के लिए उसका नेम हो जाएगा, उसका फादर नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी सैलरी, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। हम इन चार पाँच चीज़ों पर काम कर लेते हैं। अब 10 एम्प्लॉयज़ के लिए आप 10 एम्प्लॉय के आप वेरिएबल्स तो नहीं डिक्लेयर करवा सकते, E1, E2, E3, वो तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे और बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अरे बना लेते हैं, मतलब स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल की अरे बना लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एक बुक से उसकी, कि कोई भी बुक है उसकी ये तीन चीज़ें जो हैं वो प्राइस, उसका ID, उसका पेज, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन हमने लेनी है
और हमने बुक टाइप का एक अरे बना लिया कि तीन बुक्स का ये सारा डाटा हमने लेना है। आप 10 की अरे बना लो, 10 साइज का डिक्लेयर कर लो, सिंगल डायमेंशनल अरे है ये। तो आप 10 की कर लोगे तो 10 बुक्स के लिए आप यही इंफॉर्मेशन ले लोगे। आप 5 डिक्लेयर करवा दो, 5 बुक्स के लिए आपको उनकी आईडी, उनके पेज, उनके प्राइस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अरे के लिए भी मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का ही मैं आपको अरे बना के दिखाती हूँ, ये वाला मैं डिलीट कर रही हूँ। सपोज एस अरे ली मैंने और 3 स्टूडेंट्स का डाटा मैंने उसमें इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स फिर मुझे उसके लिए लूप लगानी पड़ेगी। 0 से स्टार्ट करते हैं, लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं जब इनपुट लूंगी, ठीक है, डाटा, तो सपोज मैं अभी सिर्फ, हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एज हम इनपुट लेके देख लेते हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स की एज मैं आपको यहाँ पे इनपुट लेके दिखा देती हूँ। हमने सी इन करना है एस ऑफ आई डॉट एज और ये हमने बंद कर दिया। ये इनपुट हो जाएगी 3 स्टूडेंट्स की और सेम इसी को हमने आउटपुट भी करवा देना है, तो ऑफकोर्स उसके लिए भी हमें लूप लगानी पड़ेगी। डॉट एज, इसमें स्पेस नहीं आती। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट्स की एज इनपुट ली और आउटपुट करा ली, बाकी सारा मैं डिलीट कर रही हूँ। मैं आपको इसे ऊपर वाला रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा है, स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर था, उसका हमने अरे टाइप का वेरिएबल बनाया, लूप लगाई 0 से लेके 3 तक, ये लूप चलेगी 3 टाइम्स, 3 स्टूडेंट्स की एज इनपुट होगी और 3 स्टूडेंट्स की एज आउटपुट होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं 12, 13 और 14 और ये आप लोग देख रहे हैं 12, 13, 14 क्योंकि हमने एंडल यूज नहीं किया था, इसलिए वो सारे एक ही लाइन में आ गए। तो ऑफकोर्स आप सी आउट में एंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अरे के साथ किस तरह अपने वेरिएबल की इनपुट लेनी है, स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स की इनपुट लेनी है, वो मैंने आपको अरे के साथ सिखा दिया। ठीक है, अगर ये एक सिंपल एस होता तो उसके लिए हम फिर s डॉट एज यूज करते, और जब ये अरे है तो फिर हमें अरे के लिए कोई ना कोई वेरिएबल लगा कर या अरे का कोई भी जीरो इंडेक्स को कॉल करके साथ उसकी एज लिखनी पड़ती। सिंपल फर्क सिंपल वेरिएबल में और अरे वेरिएबल में इतना सा है। अरेज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं, तो यहाँ पर भी अगर अरे की हम बात करें तो ये 0, 1, 2, 3 इसके इंडेक्सेस हैं इस अरे के। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ये काम करती है। लूप के साथ ही ऑफकोर्स हम यूज़ करेंगे क्योंकि अरेज के इंडेक्सेस को रिपीट पे लगाने के लिए हमें लूप ही इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, ये हमारी थी लैब नंबर 10। इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर हम वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करवाना है जो कि बुक का आईडी, उसकी प्राइस और उसके पेजेस को, उसकी इंफॉर्मेशन को सेव करेगा। 2 स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स आपने बाद में बनाने हैं। यूजर से वैल्यूज इनपुट करवानी है दोनों बुक्स के लिए, और उसके बाद दोनों बुक्स का जो रिकॉर्ड है वो आपने शो करवाना है, और फिर उस बुक का रिकॉर्ड आपने शो करवाना है जो ज़्यादा कॉस्टली है। तो प्राइस हमने ली है ना, तो प्राइस पे आपने थोड़ा सा इफ का एक फंक्शन लगा के ये बताना है कि कौन सी बुक इन दोनों में से, दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें से कॉस्टली बुक कौन सी है, मैक्सिमम प्राइस इसकी है। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने रोल नंबर और मार्क्स लेने हैं 5 सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और स्ट्रक्चर वेरिएबल एक बनाएंगे जिसके अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स के जो हैं उनके रोल नंबर, उनके टोटल मार्क्स और उनके एवरेज मार्क्स आप बताएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर आप रोल नंबर ले लेंगे और हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आप जो हैं डिस्प्ले करवा देंगे उसके रोल नंबर, टोटल मार्क्स स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के, और उन टोटल मार्क्स की जो एवरेज बनी है 5 पर डिवाइड करके। थर्ड प्रोग्राम है, आपने एक स्ट्रक्चर लेना है, उसके अंदर आपने आईडी, पेज और प्राइस लेनी है बुक की। फिर एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स आपने डिक्लेयर करवानी है जो कि 5 बुक्स के रिकॉर्ड सेव करवाए, आपने अरे लेनी है एक।
अब जो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनेगा ना वो अरे टाइप का बनेगा। फाइव बुक्स की तमाम इन्फॉर्मेशन हम सेव करवाएंगे और सबसे कॉस्टली बुक जो है उसका डाटा हमें आउटपुट में चाहिए और सबसे लीस्ट कॉस्टली जो है उसका डाटा चाहिए। ये दो डाटा हमारे पास रिक्वायर्ड है। ये तीन प्रोग्राम्स थे इस लैब के। होप्सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।